नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ट्विस्ट में और मैं हूँ आपके साथ आयशा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरे दूसरे चैनल फिल्मी फैक्ट, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी है, आप उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि बताया जा रहा है कि जो लोग भी सुशांत के बारे में अपडेट्स दे रहे हैं, उन सभी के चैनल्स को डिलीट किया जा रहा है। ऐसे में अगर इस चैनल को डिलीट किया भी गया तो हम लगातार दूसरे चैनल से कॉन्टैक्ट में रहेंगे और सुशांत के बारे में ये मुहिम जारी रहेगी। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है। दोस्तों, अभी वर्ल्ड ट्विटर ट्रेंड में सुशांत सिंह राजपूत का नाम ट्रेंड कर रहा है 9वें स्थान पर। बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया में सुशांत का बोलबाला हो चुका है और हर देश से एक ही आवाज़ आ रही है, #justiceforSSR। दोस्तों, हर कोई पहले CBI की मांग कर रहा था सुशांत के केस में, पर अब जब से सुशांत सिंह राजपूत के केस में CBI इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तब से अब तक कोई भी ऐसा सबूत सामने नहीं आया है, बल्कि लगातार NCB अपना काम करती हुई नजर आ रही है। NCB लगातार हर एक बॉलीवुड एक्टर को टारगेट कर रही है, पर CBI ऑफिसर्स ने अभी तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिसे देख कर ये अंदाजा लगाया जा सके कि आखिर कब तक सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलेगा। दोस्तों, बताया ये भी जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में अब आने वाले दिनों में बहुत ही बड़ा नाम सामने आने वाला है। दोस्तों, अभी ट्विटर पर बताया जा रहा है कि CBI ऑफिसर्स काफ़ी प्रोफेशनल और गुप्त तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आपको उम्मीद है कि इस साल में यानी कि 2021 में सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल जाएगा? क्योंकि 10 महीने हो चुके हैं सुशांत को हमारे बीच से गए हुए, पर अब तक ऐसा कोई भी सबूत सामने नहीं आया है जिससे फैंस को ये दिलासा मिल सके या फिर फैंस को ये उम्मीद आ सके कि हाँ, जल्द से जल्द सुशांत को इंसाफ मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप सुशांत के फैन हैं तो इस वीडियो को साथ साथ, इस चैनल के साथ साथ फिल्मी फैक्ट्री चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है, वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त, इस बात पर कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।